So hope dear students that you are fine. Today we will see the discovery of electron, discovery of proton and the discovery of neutron through animations. So let's start. इससे पहले हमने देखा that John Dalton in 1808 उसने atomic theory दे दी जिसमें उसने कहा that हर एक matter किसका बना होता है atoms का और atoms जो है they are indivisible according to John Dalton. But now we know that atom is divisible, it is made up of three main subatomic particles, that is electron, proton and neutron. So actually har ek matter ke andar electrons hai, ye dekha Michael Faraday ne in 1830, that is the electrical nature of matter. Aur uske baad hum dekhenge isme that William Crookes ne experiment kiya jisme usne dekha that gas can conduct electricity under appropriate conditions, wo hum aage dekhenge. Similarly, discovery of anode rays by Goldstein in 1886. Uske baad properties of cathode rays, they were studied by J.J. Thomson in 1897. In 1909, Robert Millikan ne determined kiya charge on an electron. Similarly, neutrons were discovered by Chadwick. So now let's see the electrical nature of matter. Michael Faraday ne electricity pass ki through molten state of NaCl, which acts as an electrolyte. तो इसने देखा दैट एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम डिपॉजिट हो गया और दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हुआ. तो इसने देखा दैट व्हेन 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू मोल्टन NaCl, वन मोल सोडियम गेट्स डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड वन हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज इवॉल्वड एट एनोड. और इसने कहा दैट इलेक्ट्रिसिटी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ माइकल फैराडे के बाद विलियम क्रूक्स इन 1879 इसने एक्सपेरिमेंट किया ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस. तो इसने एक डिस्चार्ज गिलास का ट्यूब ले लिया, कैथोड रे ट्यूब जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स ले लिए, इसके अंदर गैस भी लिया और एक हाई वोल्टेज बैटरी HT बैटरी के साथ कनेक्ट किया विच वॉज हैविंग वोल्टेज ऑफ 10,000 volts. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इलेक्ट्रोड्स जो है दे आर कनेक्टेड टू दिस बैटरी, कैथोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एनोड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. और यहाँ पे आल्सो वैक्यूम पंप कनेक्टेड है टू दिस ट्यूब. वैक्यूम पंप से हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं अप टू 0.01 एटमॉस्फेयर. सो अंडर दीज कंडीशंस एट वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर इसने क्या देखा, विलियम क्रूक्स ने देखा दैट गैस स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट एंड द कलर ऑफ द लाइट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस. अब इसने क्या किया, एनोड के साइड गिलास ट्यूब को कोट किया विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन. अब जब इसने प्रेशर को और डिक्रीज किया अप टू 10^-4 एटमॉस्फेयर तो इसने देखा दैट दिस जिंक सल्फाइड स्क्रीन इट स्टार्ट्स ग्लोइंग विद ग्रीनिश लाइट कॉल्ड फ्लोरेसेंस. तो ये जो है इन रेज को कहा गया कैथोड रेज एंड दीज कैथोड रेज इनकी प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी की जे.जे. थॉमसन ने. So now let's see the properties of these cathode rays. So first property isne dekhi that cathode rays are made up of material particles. To iske liye isne liya light pedal wheel made up of mica. To jab is pe isne cathode rays dale so it starts rotating. To isi se pata chala that cathode rays are made up of material particles jo is light pedal wheel ko rotate kar sakte hain. Second property was that cathode rays produce heating effect. जब भी किसी मेटल पे कैथोड रेज पड़ते हैं तो मेटल बिकम्स वार्म अप, इट गेट्स वार्म अप, सो दैट मींस इट कॉजेज हीटिंग इफेक्ट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसने देखा दैट कैथोड रेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ. कैसे पता चला कि जब इसने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया तो इसका शेडो पीछे बना, शेडो इंडिकेट्स दैट कैथोड रेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट पाथ. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसने देखी दैट इज कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स. कैसे पता चला, बिकॉज दे गेट बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं या अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देंगे देन कैथोड रेज दे गेट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. सो इट इंडिकेट्स दैट दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स एंड दे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स. सो कैथोड रेज के अंदर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डन बाय William Crookes and then properties actually study ki J.J. Thomson hai, so that's why credit goes to J.J. Thomson. aur yahan pe aap yaad rakhenge ye jo electrons hote hain
इनका चार्ज मास चार्ज टू मास रेशियो ये हमेशा सेम होता है फॉर एनी गैस जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनके लिए भी सेम ही होगा नाउ लेट्स सी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो ये हम कैसे निकालते हैं इसके लिए हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लेंगे तो अब अगर कैथोड रेज को हम पास करेंगे तो ये बेंड हो जाते हैं टुवर्ड्स अपोजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स और पोल्स अब ये कितना बेंड हो जाएंगे किस एंगल पे ये बेंड हो रहे हैं तो ये डिपेंड करेगा ऑन द थ्री फैक्टर्स तो पहला जो फैक्टर रहेगा दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल जितना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज का तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा नेक्स्ट जो है दैट इज़ द मास ऑफ पार्टिकल जितना मास पार्टिकल का कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी उतना ज़्यादा होगा And the third thing is the strength of electrical or magnetic field. जितना ज़्यादा होगा strength तो deflection भी उतना ही ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम पहले क्या करेंगे electric field ही देंगे तब जो ये rays हैं they will get deflected and strike at point A. अब अगर हम simply magnetic field देंगे electric field नहीं देंगे तब ये rays जो हैं they will strike at point C. Now, अब अगर दोनों फील्ड्स का स्ट्रेंथ हम बैलेंस करेंगे इक्वलाइज करेंगे तब जो ये कैथोड रेज है दे विल स्ट्राइक एट पॉइंट बी और ये इसने इक्वलाइज किया और इसी से इसने निकाला चार्ज टू मास रेशियो और वो कितना देखा गया इट्स 1.75 AA20 × 10⁻¹¹ कूलम पर केजी Now let's see what is the charge of an electron. So it was calculated by Robert Millikan in 1909. In an experiment known as Millikan's oil drop experiment. तो इसने जो apparatus लिया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो plates है positive plate and the negative plate और ये इसने connect किए to HT battery high tension battery और similarly इन दो plates के दरमियान there is gas और इस gas को इसने ionize किया by passing X-rays into this chamber. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे एटोमाइजर लगा हुआ है इससे हम ऑयल ड्रॉप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मिस्ट नेक्स्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज़ द टेलीस्कोप जिससे हम देखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल ड्रॉप्स और नेक्स्ट एक्स रेज यहाँ से पास किया जाता है इनटू दिस चैम्बर वो मैंने बता दिया ताकि हम गैस को आयोनाइज करें सो ऑयल ड्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट प्रोड्यूस्ड बाई दिस एटोमाइजर दे वेर अलाउड टू पास थ्रू टिनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडेंसर और इनका जो डाउनवर्ड मोशन है वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप और यहाँ से एक्स रेज जो है दे विल आयोनाइज द गैस और यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा तो वो ऑयल ड्रॉप्स पे आ जाएगा ऑयल ड्रॉप्स विल गेट चार्ज और यही ऑयल ड्रॉप्स जो है इनका मिलिकन ने मेजर किया मास Now rate of fall of these charged oil droplets it can be increased, decreased और इनको हम stationary भी ला सकते हैं ये किस पे depend करेगा charge on the droplets पे polarity and strength of the voltage applied to the plate उस पे ये depend करेगा तो यहाँ पे by carefully measuring the effects of electrical field on the motion of oil droplets तो मिलिकन ने कंक्लूड किया दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन दीज ऑयल ड्रॉपलेट्स इट्स ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट इज क्यू इज इक्वल टू एन ई ये इसने कंक्लूड किया और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने देखा इट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो अब हमें पता है चार्ज अपॉन मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का और सिमिलरली वी नो द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मास इन दो वैल्यू से हम निकाल सकते हैं दैट इज एम इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डिवाइड करेंगे बाय ई अपॉन एम रेशियो से तो कितना देखा गया मास इट कम्स आउट टू बी 9.109 × 10⁻³-31 के जी नाउ लेट्स सी द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स विच वॉज done by Goldstein in a modified cathode ray tube. So ये जो Goldstein था in 1886 इसने cathode ray tube को modify किया modify कैसे किया इसने cathode जो लिया वो perforated लिया जिसके अंदर pores थे तो इसने देखा that there are some rays coming from the anode and they are moving towards this perforated cathode. और आगे जब इसने रखा जिंक सल्फाइड स्क्रीन तो इसने देखा दैट
it starts glowing. That means there are some rays coming from the anode and they are moving towards the cathode. और ये जो rays थे, इनको जब देखा गया, तो they are positively charged. इनको हम canal rays भी कहते हैं, because they move through these channels, small holes. तो canal rays जो हैं, इनका mass charge to mass ratio और इनका mass जो है, it varies from gas to gas. और जब हम hydrogen gas लेते हैं तब जो smallest and lightest positive ion है उसी को हम proton कहते हैं तो इस proton की charge same होती है as that of electron but with opposite sign that is plus 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb और इसका जो mass है mass of proton it is 1.67 into 10 raised power minus 24 grams so this is the mass of proton which was experimentally found Now for other gases, the charge hai, that will be whole number multiple of that of hydrogen. So, jo hydrogen ka atomic number hai, that's 1. Iske andar ek hi electron hai. To agar is electron ko hum bahar remove karenge, to wahan pe simply ek hi proton bachega, kyunki hydrogen ke andar neutron nahi hota hai. So that's why H positive ion is known as proton. Now, अब ये दो चीजें discover हो गई, one is the discovery of electron and discovery of proton. अब आप यहाँ पे याद रखेंगे that atomic number जो atom का होता है, that's always equal to the number of protons. जितने protons होंगे, उतना ही atomic number भी होगा. और यहाँ पे आप याद रखेंगे कि atom का जो mass होना चाहिए, so that should be equal to the mass of proton and that of mass of electron. क्योंकि ये दो ही particle अभी तक discover हुए थे. पर जब हम देखते हैं एक्चुअल में the mass of an atom it is not equal to the mass of proton plus that of electron तो एटम का जो मास है वो ज्यादा आता है किनसे than the mass of proton and electron तो इससे ये समझ में आया that कि एटम के अंदर कोई और भी पार्टिकल्स हैं जिनका मास है and those particles are nothing but the neutrons which were discovered late in 1932 by the Chadwick तो चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया कैसे बाय बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम फॉयल तो इसने देखा दैट वहां से कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स बाहर निकल रहे थे और वो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे दे वर द न्यूट्रॉन्स हैविंग सेम मास नियरली एज दैट ऑफ प्रोटॉन एंड नो चार्ज दैट मींस दे आर न्यूट्रल और यही न्यूट्रल पार्टिकल्स जो हैं दे आर द न्यूट्रॉन्स और इनका मास आप याद रखेंगे इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे आर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स बिकॉज़ दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दीस फंडामेंटल पार्टिकल्स तो यहां पे आप याद रखेंगे सिंपली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एक्चुअल चार्ज और रिलेटिव चार्ज सिमिलरली यू विल आल्सो रिमेंबर हियर द एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड आल्सो द एप्रोक्सीमेट मास तो इलेक्ट्रॉन का एप्रोक्सीमेट मास जीरो लिया जाता है बिकॉज़ इनका मास नेगलिजिबल है नाउ लेट्स रिकैप सो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स दैट फर्दर कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और यही सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं व्हाट आर दीस दीस आर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जिनकी डिस्कवरी हमने अभी देखी सो यहां पे आप नेक्स्ट याद रखेंगे दैट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल नेक्स्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव मास इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स हैज negligible mass जो हमने अभी बताया that electron का mass neglect किया जाता है protons, neutrons they are together known as nucleons because they are present in the center of an atom that is inside the nucleus so hope that you have understood the discovery of electron, proton and neutrons thank you for watching